अगर आप ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक दक्षता परीक्षा या पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा नोट सफिशियंट है, जिसमें शिक्षण कौशल के अतिरिक्त संबंधित विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के कलेक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ व्हाट्सएप पर या प्रिंटेड बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। चाहे आप हाई स्कूल के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे प्लस टू विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, दक्षता परीक्षा में आपसे 25 प्रश्न शिक्षण कौशल के पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। आपकी परीक्षा में 25% प्रश्न शिक्षण कौशल से होंगे। शिक्षण कौशल के 300 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। फिलहाल इस वीडियो को आप एज अ सैंपल देख सकते हैं। तो आगे हम बगैर किसी देरी के टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल के प्रैक्टिस सेट 8 की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, प्राथमिक शिक्षा छात्रों को कौन सी भाषा में देनी चाहिए। अगर आप छात्रों को प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं तो मातृभाषा का प्रयोग करें। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन ऐसा कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। पारिवारिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित कर देता है। परिवार की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, ये भी मानसिक विकास को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत की व्याख्या किसने की। नैतिकता का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग चूहे पर किसने क्या था। वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग चूहे पर करने वाले थे विलियम मैकडॉगल। एक शिक्षक जिसे विद्यार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान होने के बाद नियोजित नहीं किया जा सकता। बच्चों के मानसिक विकास के अनुरूप आपको पाठचर्या का चयन करना है, शिक्षण पद्धति का चयन करना है, सामग्री का चयन करना है कि आप बच्चे को किस प्रकार पढ़ाएंगे, लेकिन शारीरिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय जो होना चाहिए वो शारीरिक और दिमाग से संबंधित होने चाहिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक मनुष्य के लिए अनियंत्रित रूप में व्यवहार करना सीखता है, इस प्रक्रिया को क्या कहलाती है। इस प्रक्रिया को सामाजिक परिपक्वता कहते हैं, यानी मनुष्य के लिए समाज काफी इम्पोर्टेंट होता है। सामाजिक परिपक्वता उसमें तब आ जाती है तब वो जब वे समाज के साथ व्यवहार करना सीख जाते हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है। किशोरावस्था की अनेकों विशेषता होती है, उसमें सबसे प्रमुख आत्म गौरव है। किशोर की भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। किशोर की भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका पराक्षेपण है। परिपक्वता का संबंध है विकास से। कोई व्यक्ति जब तक विकास नहीं करता है जब तब तक उसमें परिपक्वता नहीं आ जाती। विकास का मतलब तैयार होना, परिपक्वता का मतलब तैयार होना। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य है बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बातें कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार उसकी सहायता करेंगे। उसे प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने का भरपूर अवसर देंगे ताकि धीरे धीरे उसका हेजिटेशन दूर हो जाए। एक लड़की सुनीता है, वे तालाब सा को मूर्धन सा बोलती है, दंती सा बोलती है। सुनीता भाग के भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अगर किसी को उच्चारण संबंधित दोष है, सौ को सौ बोलता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है यह समझेंगे कि उसको क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है।
निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? चार प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन हम बच्चों को कहेंगे तितली और कली ने क्या खेल खेला, ये बच्चों के भाषा क्षमता का विकास करेगा। बच्चे अपने भाषा में उत्तर देंगे। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक वायगोत्स्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किसे दिया है? सर्वाधिक बल जो दिया है अनुकरण को दिया है। समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है? समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के बच्चे को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिसमें भाषा जो है परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ये बिल्कुल सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक है, यानी ये भी समावेशी शिक्षा का एक खूबी है। समावेशी शिक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये उचित नहीं है। भाषा की कक्षा में व्याकरण की शिक्षा देना उसे बायफोर्सली थोपना सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं, ऐसा क्यों? कक्षा हिंदी की है और हिंदी के बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि हिंदी और उसकी मातृभाषा में अंतर है। वे घर में कोई और भाषा बोलते हैं, विद्यालय में हिंदी सीख रहे हैं, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि सर्किल को आयत कहते हैं या वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें किसी कमी का उपचार किया जाए। सबसे पहले कमियों का पता लगाया जाता है, इसीलिए ये निर्भर करता है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब तक आपको समस्या पता नहीं रहेगा, उसका कारण पता नहीं रहेगा, आप क्या उपचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट पेपर का बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे प्राइवेट वीडियो लाइव क्लासेज कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा के पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स के सैंपल आप हमारी वेबसाइट www.teacherhammer.com पर देख सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयवार शिक्षक दक्षता परीक्षा का पीडीएफ नोट डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और कंप्लीट नोट प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।